देखेंगे वर्ड में इंसर्ट मेन्यू। इसके लिए हम लोग पहले वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास जो वर्ड का है वो 2013 वर्जन है, तो इसमें हम लोग करेंगे आज इंसर्ट मेन्यू का पार्ट। तो सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में आपका आ जाता है, वो होता है कवर पेज। तो कवर पेज का काम होता है कि किसी भी टाइप का जो हम लोग फ्रंट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं या हमारे बुक्स वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह में जो ज़रूरत होता है, तो उस टाइप का चीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस टाइप का हम ले लेते हैं, तो ये मेरा एक फ्रंट पेज मेरा डिज़ाइन हो गया, जिसको हम लोग अपने तरीके से मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। जो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो हम टाइप कर सकते हैं, सब टाइटल वगैरह है या जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उस बेस पे हम अपना सारा काम कर सकते हैं। इस जगह पे हम अपना नाम, एड्रेस वगैरह वो सब हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें भी कुछ होता है, जैसे ये डिज़ाइन हमको बड़ा करना है या डिज़ाइन हमको चेंज करना है, तो वो कुछ काम हम लोग यहाँ से उसको भी एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं। जिस टाइप का चाहिए, इसमें हमको ग्रेडियंट्स चाहिए, तो वो जिस भी टाइप का हमको कलर का ज़रूरत होता है वो सब सब काम हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद हमारा आता है, वो आता है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज के लिए सबसे पहले मेरे पास कुछ टेक्स्ट होना ज़रूरी है। पहले टेक्स्ट हम लिख लेते हैं। तो जैसे ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसको हम एक और पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, हम छोटा करके भी पेज को देख सकते हैं। तो यहाँ से हम जूम आउट कर लेते हैं, अभी ये एक ही पेज में। तो एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको हम। तो अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा दो पेज में, अब हमको चाहिए कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट के बाद मतलब ये जो मेरा पेज जो जनरेट हो रहा है ये मेरा ब्लैंक हो जाए, और उसके बाद भी हमको डॉक्यूमेंट थर्ड नंबर वाले पेज में हमको चाहिए। तो उस चीज़ों के लिए हम लोग ब्लैंक पेज का यूज़ करते हैं। तो ये आपका इस जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में आता है, वो होता है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है कि पेज को तोड़ देना। तो जैसे जो पैराग्राफ, जैसे सपोज हमने यहाँ तक सारा कुछ काम करके रखा हो, अब हमको ये जो वीडियो एंड इसके आगे का जो पार्ट चाहिए वो हमको नेक्स्ट पेज में चाहिए। तो इस चीज़ों के लिए हम लोग पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। एंड इसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है, वो होता है कंट्रोल प्लस एंटर का, जिसको हम लोग साथ में प्रेस करेंगे तो मेरा पेज ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपका आता है, वो होता है टेबल बनाना। तो टेबल जनरली हम लोग काफ़ी सारे चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम बायोडाटा बना रहे हैं या फिर अपना रिज्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस सारी चीज़ों के लिए भी हम लोग पेज में टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो टेबल बहुत तरीके से इंसर्ट हम लोग कर सकते हैं, उसमें से एक बहुत इजी सा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है कि ये हम लोग एक लिमिटेड दिया हुआ, मतलब हम 10 रो 8 कॉलम हम इसी बेस पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमको और भी चाहिए तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट टेबल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे अब हमको सपोज 19 कॉलम चाहिए था और हमको 16 या 15 हमको रो चाहिए, तो ये करके हम कर देंगे इसको ओके। तो ये मेरा एक टेबल आ जाएगा। उस टेबल के साथ ही बहुत सारा चीज़ें कि यहाँ पे आप इसको अपने अकॉर्डिंग, इसके हर एक सेल के साइज़ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। या तो हम इस जगह से करेंगे, नहीं तो टेबल लेंगे तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। पहला है डिज़ाइन का, दूसरा है लेआउट का। तो डिज़ाइन तो बेसिकली आपका काम करेगा कि हमको पर्टिकुलर किसी सेल को कलर करना है, तो उसके लिए हम डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हाईलाइट हम लोग कर सकते हैं। अगला है इसी में कि टेबल का हमको लेआउट, मतलब इसका स्टाइल हमको चेंज करना है कि हमको इस टाइप का स्टाइल बेस भी चाहिए या जिस भी टाइप का हमको नीड होता है हम वो सब काम कर सकते हैं। दूसरा बॉर्डर स्टाइल, कि पर्टिकुलर बॉर्डर हमको कैसा चाहिए, तो हमको जैसे 2 लाइन में हमको चाहिए तो वो हम चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और हम जूम कर लें। नेक्स्ट होता है इसका थिकनेस, हम यहाँ से स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं। और इसके नीचे जो आता है ये आपका थिकनेस के लिए होता है, जैसे हम 4.5 के लिए हम लोग जा सकते हैं, जो भी हम चूज़ कर लेते हैं, या इसी को कम करना है तो वो भी कम कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पेन कलर, मतलब अभी कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इसका। सपोज हमको रेड में चाहिए तो हम रेड में कन्वर्ट कर लिए। हम ब्लैक तो है ही, हम लोग रेड में करते हैं। नेक्स्ट बॉर्डर है कि बॉर्डर हमको पर्टिकुलर सब हमको सेम चाहिए, तो इससे पहले हम लोग सेलेक्शन भी देख लेते हैं कि सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारा है, कंट्रोल के साथ हम शिफ्ट के साथ कर सकते हैं या माउस को ड्रैग करके कर सकते हैं। तो माउस को ड्रैग करके करना ज़्यादा ईजी होता है, तो इस टाइप के हम लोग कलर वगैरह को चेंजेस कर सकते हैं। बॉर्डर प्रिंटर हो जाएगा, पर्टिकुलर हमको कोई बॉर्डर जैसा चाहिए। इसके बाद आपका आता है लेआउट। तो लेआउट में बहुत सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे ग्रिड लाइन को ग्रो करना है, प्रॉपर्टीज उसका चेक करना है कि हमको जो लिख रहे हैं या जो बना रहे हैं उसमें किस टाइप से टेक्स्ट लिखाएगा, कैसे क्या कुछ होगा, वो सब सारा काम हम लोग कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल हो गया कि इसमें और टेबल हमको ऐड ऑन करना है, जैसे यहाँ से हमको और लेना है नेक्स्ट पेज में, जैसे इस जगह पे हमको और बनाना है, तो ये हम ड्रॉ टेबल की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ टेबल का यूज़र भी हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली हमको जिस भी टाइप में चाहिए, हमको जैसा कस्टमाइज़ करना है, वो काम हम ड्रॉ टेबल पे भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर ही आ जाता है इरेजर, कि पर्टिकुलर हमको जैसे ये लाइन हमको नहीं चाहिए, हम इजी टू इसको इरेज हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद इसी में आपका अगला ऑप्शन हो जाता है जो डिलीट का, जिसमें सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करना है या कंप्लीट टेबल। जैसे सपोज हम कंप्लीट टेबल डिलीट कर दिए तो मेरा पूरा का पूरा टेबल इरेज हो गया। इसी के अलावा आपका आ जाता है कि पर्टिकुलर वो सेल डिलीट करना है, तो जो सेल डिलीट करना है तो उसके वो उसके जगह पर वो कौन सा सेल करेगा पुट अपने आप को, तो वो काम हम लोग कर सकते हैं। इंसर्ट करना है, इंसर्ट अब है, इंसर्ट बिलो है, लेफ्ट साइड इंसर्ट करना तो कंप्लीट हो जाएगा, जितना का जितना सेल मेरा सेलेक्ट है। सपोज हम इसको करते हैं और इंसर्ट लेफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट साइड एक पर्टिकुलर सेम सेल आ गया सेम वेथ का। राइट साइड करना है तो राइट साइड हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला होता है मर्ज सेल। मर्ज मतलब होता है कि एक सेल से बहुत सारे सेलों को मिला करके पर्टिकुलर एक को ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए मैं मर्ज सेल ऑप्शन में जाएंगे, देन आप देख सकते हो। स्प्लिट सेल हो जाता है कि कोई भी सेल को आप कितने भाग में मर्ज, जैसे इसमें हमको 5 कॉलम चाहिए, मतलब एक रो के अंदर 5 कॉलम, तो वो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो हम काउंट भी कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। फिर स्प्लिट टेबल हो जाता है कि पर्टिकुलर कोई टेबल, जैसे हमको ये टेबल को ही 2 भाग में बांट देना है, इसको हम लोग स्प्लिट टेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑटो फिट। ऑटो फिट जैसे आप एज अ कॉन्टेक्ट आप लिखते हैं यहाँ पे कंटेंट, आप जो ऐसा भी लिखोगे वो ऑटोमेटिक अपने आप को फिट कर लेगा। या हमको विंडो के अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब जितना बड़ा मेरा पेज है हमको उतना बड़ा मैं अपने टेबल को ऑटो फिट करना है, तो वो कर सकते हैं। फिक्स्ड कर देना है कि पर्टिकुलर वो उतना ही रहे, ना बढ़े ना घटे, तो वो काम हम लोग कर सकते हैं। या तो हम हाइट बढ़ा सकते हैं, वो मैनुअल आप कर सकते हो। विड्थ को भी हम लोग मैनुअल हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आपका आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, मतलब इक्वली आप रो और इक्वली आप कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब जब बहुत लोगों को या बहुत टाइम हम लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वो मेरा पर्टिकुलर सही पोजिशन पर लिखा रहा है कि नहीं। जैसे हमको लिखना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक एक वर्ड हम लिख दिए। अब ये वर्ड तो हमने लिख दिया, लेकिन अब इस वर्ड को क्या करना है कि हमको सेंटराइज करना है, वो बहुत लोगों से नहीं होता। तो उस चीज़ों के लिए हमारे पास अलाइनमेंट सेटिंग है, जिसको हम लोग एज ए सेंटर हम लोग या लेफ्ट हमको जहाँ पे चाहिए उस जगह पे टेबल के पार्ट में हम इसको पुट कर सकते हैं।
इसके बाद टेक्स्ट का डायरेक्शन हो गया, वो हम चेंज कर सकते हैं। सेल का सेटिंग मतलब टॉप पर्टिकुलर कौन सा पार्ट मेरा कितना छूटना चाहिए, जैसे हम चाहते हैं कि 0.5 मेरा टॉप से डाउन रहे, तो ये ऑटोमेटिक 0.5 ले लेगा आपका। तो ये कुछ काम हम लोग टेबल में कर सकते हैं। तो अभी मैं सबको हटा देता हूँ। इसके बाद आपका अगला आता है, वो है पिक्चर का। तो पिक्चर का सेटिंग भी हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर हमको एक इमेज लेनी है, तो वर्ड में क्या एक प्रॉब्लम है कि जब हम लोग इमेज लेते हैं तो एक पेज में एक ही इमेज जाएगा, एक पेज में एक से ज़्यादा इमेज नहीं जा सकता, ये ऑटोमेटिक पेज चेंज कर दे। जैसे अभी हम वो इमेज सेलेक्ट किए हुए थे और हम न्यू इमेज लिए यहाँ पे, तो वो इमेज आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि एक पेज में एक से ज़्यादा इमेज हम लोग कैसे डालेंगे। तो जब हम इमेज लेते हैं तो इसके साथ एक फॉर्मेट ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा, जिसको पिक्चर्स टूल बोलते हैं हम लोग। तो पिक्चर्स टूल के लिए है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए दिया हुआ है ऑप्शन, वो है रिमूव बैकग्राउंड का। तो ऑटोमेटिक आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका रिमूव, जैसे हम इसको एंटर किए तो मेरा क्या हुआ कि जितना भी बैकग्राउंड में जो भी इमेजेस था इसके अलावा, वो सब सब ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका कि इसको आप थोड़ा सा लाइट वगैरह ब्राइटनेस को अप एंड डाउन करना है, वो आप काम कर सकते हो इसको। नेक्स्ट हो जाता है कलर में, कि इसका कलर वगैरह कुछ चेंज करना है, तो वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप का हमको डॉक्यूमेंट है उस टाइप का हम काम अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारा आपको ऑप्शन है, जैसे हमको इस टाइप का इमेज को बनाना है वो कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब हो जाता है कि हम फोटो को साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं, मतलब अगर हमको छोटा बड़ा करना है तो वो हम लोग कंप्रेस की मदद से कर सकते हैं, और नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है। अब इसके बाद हम लोग इमेज ले लेते हैं, तो मेरा थोड़ा सा टेम्पररी इशू है सर्वर का, तो इसको हम लोग कभी और हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका रीसेट पिक्चर, कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका पिक्चर जैसे आपने लिया था पहले वो सेम हाइट सेम साइज सेम कलर और सेम टेक्सचर के साथ वो दोबारा आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है आपका, वो होगा फ्रेमिंग करना, कि किसी भी इमेज को हम किस तरीके से फ्रेम बना सकते हैं। तो हमारे पास ढेर सारे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, तो इसमें से ही कोई यूज़ हम लोग कर लेंगे, और अगर अपने से करना है तो भी हम लोग आगे उसको देखेंगे कैसे हम लोग शेप में या कैसे हम लोग इमेज का अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसके बाद आपका अगला आ जाता है, वो हो जाता है पिक्चर बॉर्डर का। पिक्चर बॉर्डर को आपको किस टाइप से कलर करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें इसका है विड्थ वगैरह है, कि पिक्चर का विड्थ को आपको कितना रखना है वो आप अपना कर सकते हैं। फिर उसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह आपको चाहिए तो वो हम कुछ बना सकते हैं। तो ये सब कुछ काम हम लोग पिक्चर बॉर्डर के अंदर करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर इफेक्ट है, जिसमें अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। शैडो कुछ डालना है हमको तो वो हम कर सकते हैं, कुछ ग्लो करवाना है, तो ये सब एक अलग आप अपना यूज़ करके देख सकते हो। जैसे मैं नॉर्मली ये यूज़ करता हूँ, तो ये एक आपका एक थोड़ा सा 3D लुक देता है। उसके बाद ये तो हो गया। नेक्स्ट पिक्चर लेआउट में हम लोग आते हैं, तो पिक्चर का लेआउट हमको कैसा रखना है, तो ये आपका थोड़ा सा जैसे हम इस टाइप का रखना चाहते हैं। तो इसमें क्या आ गया कि हम कोई भी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे हमको ये लिखना है कि ये हिल हो गया, या हम इसको ऐसे नॉर्मली स्काई लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका एक पिक्चर के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके ये बेसिकली कुछ और चीज़ कहलाता है, जो हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद इसका पोजीशन होता है, पोजीशन हमको कहाँ पे रखना है इमेज का, तो वो कुछ काम हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे ये तो बॉटम में चला गया, जैसे बॉटम लेफ्ट, तो ये मेरे बॉटम में चला गया, या फिर हमको सेंटर पे रखना है, तो ये कुछ काम हम लोग कर सकते हैं इस जगह पर। उसके अगर आप टेक्स्ट में हैं तो ये टेक्स्ट जब रहेगा तब हम लोग इसको देखेंगे। तो आज के लिए वीडियो में तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर अप करेंगे।